मानो जीव हमारी जाति है, जीव हमारी जाति है, मानो हमारा धर्म। सिख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं कोई न्यारा है धर्म। प्रधानमंत्री जी हमेशा वादा करते थे, रोजगार की बात करते थे, किसानों की आय की दुगनी की बात करते थे, महंगाई को घटाने की बात करते थे, देश की विकास की बात करते थे कि मैं आऊँगा तो ऐसा करूँगा। उनके सारे दावे और सारे वादे सब खोखले हैं। जमीनी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपनी बेहतर काम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म की नीति ही है कि हम जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी से हमें जो है हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेना पड़े या हम किस देवी देवता को मानेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी अगर डिसाइड करेगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। घबरा क्यों गए हैं मोदी जी? पूरा मोदी जी इसमें घबराए हुए हैं कि हमको जनता नकार चुकी है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा के 3 चरण पूरे हो गए हैं और तीनों चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो बौखलाहट है कहीं ना कहीं इस चरणों के बाद वो सामने आ रही है। दरअसल मैं इसलिए कह रही हूँ कि कल तक जिन अडानी अंबानी को लेकर मोदी जी मौन रहते थे, आज आरोप लगा रहे हैं मंच से कि वो कांग्रेस से उनकी डील हो गई है, कांग्रेस को पैसा दे दिया है, यानी कि हार का डर साफ तौर पर नज़र आने लगा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और शायद यही वजह है जो इस तरह के बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी इस तरह के भाषण दे रहे हैं। लोगों के बीच क्या माहौल है? और इस वक्त हम एक कैंटीन में हैं, यहाँ पर लोग शाम की चाय पीने आते, तो मुझे लगा कि राजनीतिक चर्चा चाय कि कैंटीन या होटल्स में ज़्यादा बेटर हो सकती है, तो हम यहाँ पर आ गए। और कुछ लोग हैं भी हमारे साथ, काफ़ी जो तजुर्बा भी है इन्हें, क्योंकि काफ़ी टाइम गुजार चुके हैं, तो जान लेते हैं, काफ़ी चुनाव देखे हैं अपनी ज़िंदगी के। सर, शुरुआत आपसे करूँगी, कैसे देख रहे हैं इस 3 चरणों के बाद जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के, क्या लगता है ये डर है, हार का डर है? नहीं नहीं नहीं, कहीं दूर दूर तक के हार का डर नहीं है। देखिए, जो काम इन्होंने किया है देश के प्रति, रोड नाली प्रणाला खनंजा तो सब बनाते थे, लेकिन जो देश की संस्कृति का काम किया इससे पहले किसी ने नहीं किया। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो। आज लोग कम से कम अपने देश के बारे में, संस्कृति के बारे में बता तो रहे हैं, बोल तो रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग बोल रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग आज चर्चा कर रहे हैं उस पर। उससे पहले संस्कृति नहीं थी क्या? संस्कृति थी, लेकिन उस पर चर्चा का हम लोग सुनो, क्या चर्चा का हम लोग सुनो, लोग बोलना पसंद नहीं करते थे। क्या हिंदू मुसलमान करना या डिबेट में सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करना, ये सही है? हाँ, इसलिए सही है कि इससे पहले भी यही होता था। अगर पहले होता था तो आज हो रहा तो क्या, पहले अगर मस्जिद पर हो रहा था तो क्या बुराई थी, अगर आज मंदिर पर हो रहा तो अपराध हो गया। आप ये कैसे कह सकते हैं देश में एक, ये हमारे भारत देश है एक लोकतांत्रिक देश है और गंगा जमुना तहजीब की मिसाल दी जाती थी, लेकिन आज वो चीज़ खत्म हो रही है और शायद ये उदाहरण भी आपके मुंह से मैं सुन रही हूँ। खैर, आप एक यूथ के तौर पे कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को? देखिए, जो हमारी देश की वर्तमान की हाल है बड़ी दयनीय है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार है और 10 सालों में हमारे देश को सिर्फ बेरोजगारी, लाचारी, गरीबी और महंगाई मिली। जनता परिवर्तन चाहती है। हमारा देश धर्म से नहीं चलेगा, हमारा देश सिर्फ धर्म से नहीं चलेगा, हमारा देश देश के संविधान और संस्कृति, सभ्यता, सारी चीज़ें होंगी तो हमारा देश चलेगा। प्रधानमंत्री जी हमेशा वादा करते थे, रोजगार की बात करते थे, किसानों की आय की दुगनी की बात करते थे, महंगाई को घटाने की बात करते थे, देश की विकास की बात करते थे कि मैं आऊँगा तो ऐसा करूँगा। उनके सारे दावे और सारे वादे सब खोखले हैं। जमीनी लेवल पे भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपनी बेहतर काम नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी के पास में सिर्फ हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान धर्म की नीति ही है। मैं हमेशा जो है एक चीज़, जो यूथ है आज हमारे देश की आबादी 65% और 60% लगभग यूथ की है, मैं एक यूथ होने के नाते, युवा होने के नाते, मैं इस देश की बेदर्द युवाओं की हाल को मैं जानता हूँ। और प्रधानमंत्री को सिर्फ मन की बात सुनाना आता है, इसलिए जो है मौके पे लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जनता जो है देश से भगाने का काम कर रही है। ये लड़ाई, आपके माध्यम से मैं जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई लोकसभा चुनाव किसी पार्टी और किसी प्रत्याशी की नहीं है, ये लड़ाई देश की लोकतंत्र और संविधान को बचाने की है। जनता जब तक परिवर्तन नहीं करेगी,
तब तक दिन प्रतिदिन लाचारी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून का हत्या होता रहेगा। जब हमारे देश में कानून नहीं रहेगा, हमारे देश का संविधान नहीं रहेगा, हमारे देश का लोकतंत्र नहीं कायम रहेगा, तो हम देश में नहीं रह पाएंगे। मेरा नाम इंद्रसेन यादव है, मैं जनता शासन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं भी जो है कई प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश सहित जो है कई प्रदेशों में लोकसभा का चुनाव लड़ा रहा हूँ। जनता जो है कह रही है कि सर हम सबको परिवर्तन चाहिए, जनता को गुमराह किया जा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से मैं जनता से एक ही अपील करना चाहूँगा कि लोग काम और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी रोजगार के लिए अपना मतदान करें, अपने मूल अधिकार को और देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए ये मतदान करें। किसी पार्टी और किसी जो है प्रत्याशी को मत देखें। ये आखिरी लड़ाई आपकी है। अगर आप चाहते हो कि हमारा देश अमन चैन से रहे और हमारा देश मजबूत हो, भारत एक सशक्त भारत बने, तो आप प्रत्याशी जो है सही और शिक्षित चुन के अपना मताधिकार का प्रयोग करें। आपके पास में तमाम प्रकार के नेता जाएंगे, तमाम लालच देंगे, तमाम चीज़ों में आपको करेंगे, ठगने का काम करेंगे, छावा करने का काम करेंगे, लेकिन आप लोग, आपके हाथ में सिर्फ एक ही अधिकार है, मताधिकार। उस मताधिकार का प्रयोग आप सही दिशा में करने का काम करें। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि अभी सर बोल रहे थे कि संस्कृति को बचाया है भारतीय जनता पार्टी, आप इससे एग्री करते हैं? मैम देखिए, जब हमारे देश में लोकतंत्र और संविधान मजबूत होगा तो हमारा भारत देश में तो संस्कृति तो है ही है। हमारा भारत देश सभी देवता, सभी धर्म और सभी मजहब मजहब को मानने, मैं जात का यादव हूँ। क्या इसका श्रेय आप भारतीय जनता पार्टी को दें? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं जात का यादव हूँ, मैं हिंदू धर्म से आता हूँ। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि हम जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी से हमें जो है हिंदू होने का सर्टिफिकेट लेना पड़े या हम किस देवी देवता को मानेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी अगर डिसाइड करेगी, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है। हम जिस कल्चर में जन्मे हैं, हमारी संस्कृति और सभ्यता, मैं अपने सभी देवी देवताओं को नमन करता हूँ, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, मैं सभी को मानता हूँ, लेकिन मानो जीव हमारी जाति है, जीव हमारी जाति है, मानो हमारा धर्म सिख, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं कोई न्यारा है धर्म। मैम मेन चीज़ मेरा मानो धर्म है, मैं पहले मानूँ। अगर जातवाद की भेदभाव, नेता तो अपना काम करता है, लोग जाति धर्म में, मंदिर मजहब में उलझा के और अपना काम निकालने का काम करते हैं। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमारे देश में संस्कृति सभ्यता पहले भी थी, हालांकि अब और ठेस पहुँचा है। अब लोग जातवाद में बटे पड़े हैं, धर्मवाद में पड़े हैं, हमारी देश में कुछ नहीं बचा, देश हमारा कर्जे में चला गया। जो 55 लाख करोड़ रुपया था, आज उसका 3 गुना कर्जा हो गया। देश की सारी संपत्ति जो है चली गई उनके मित्रों के हाथ में। मोदी जी हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सबका साथ तो लेते हैं लेकिन विकास अपना और अपने मित्रों का करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से मैम सभी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग सही दिशा में करें, शिक्षा और रोटी कपड़ा रोजगार के लिए अपनाव करें। नेता तो आपको बहकाएंगे, जाति धर्म में उल्टा करेंगे, देवी देवता को बांटेंगे, लेकिन अपना मताधिकार का प्रयोग सही दिशा में करने का काम करें। आप कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को सर? आपने तो काफी चुनाव देखे हैं। ठीक है, इलेक्शन की बात नहीं, हम खाली यूपी को देख रहे हैं, पूरे देश पर नहीं देख रहे हैं। यूपी को कैसे देख रहे हैं? ठीक है, इंडिया यहाँ अलायंस। हाँ हाँ, प्रश्न करिए क्या। मेरा प्रश्न ये है, ये लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, जनता बुलाएगी 400 पार? तो मोदी जी सही नारा दे रहे हैं, 400 के बाद जो 400 के बाद पार है वो वही उनको मिलेगा। 400 के पार जित जो संख्या है वही मोदी जी को मिल रहा है, क्योंकि जनता पूरा समझ रही है इनके जो 10 साल में इन्होंने किया, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, बेरोजगारी बढ़ी है, काला धन वापस करने के लिए इन्होंने क्या क्या वादे किए थे, काला धन विदेशों से ले आए हैं, बेरोजगारों के लिए क्या क्या इन्होंने किया है, सब कुछ जनता समझ रही है, देख रही है। ये पूरे जो चुनाव पिछले हुए हैं 3 बार, सब ये घबरा क्यों गए हैं मोदी जी? पूरा मोदी जी इसमें घबराए हुए हैं कि हमको जनता नकार चुकी है। तो 400 के बाद कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी पे अभी भी लोग क्या मोदी जी की गारंटी है? ये जब जनता जनता इनको नकार दिया है तो आप केवल इनका
जनता इनको देख चुकी है, 10 साल से देख रही है कि झूठे वादों के अलावा इनके पास कुछ बचा ही नहीं। हिंदू मुस्लिम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जात की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा इसके पास कोई न विकास के लिए उन्होंने काम किया है। जो 70 साल में किस कांग्रेस सरकार ने बनाया था उसको इन्होंने बेचने का काम किया है। अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो मुस्लिमों को मिल जाएगा आरक्षण, और दलित और जो दूसरे समाज है उनसे छीन लिया जाएगा उनका हक, और सब मुसलमानों में चला जाएगा। तो ये इन्होंने किया क्या? ये दूसरों के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे हैं? इन्होंने 10 साल में किया क्या? इन्होंने जो किया है उसके कर्मों का फल इनको खुद मिल रहा है। घबरा कर क्यों मोदी जी गए हैं? इनकी पार्टी के लोग घबराए हुए हैं। क्यों आखिर घबराए हैं कि इनसे कि जान गए कि हम सत्ता से बाहर हो चुके, जनता हमको नकार चुकी है। 400 के पार जो इन्होंने दिया था, 400 के पार जो संख्या बच रही है, 153 इनको मिलना है। मोदी प्रधानमंत्री थे और 5 साल के मोदी फिर प्रधानमंत्री बने। ये जो है तुष्टिकरण की नीति नहीं चलेगी। सबको बांटो और बहुसंख्यकों को डांटो। संविधान 370 की ख़त्म किया कश्मीर से, क्यों नहीं पहले लोगों ने ख़त्म कर दिया? अच्छा चाचा मेरी बात सुनिए, 370 है क्या? आ जाइए, हाँ इधर आ जाइए, आप दोनों आस पास आ जाइए, तो बहस हो जाएगी। उनके बोलने पहले बोल रहा ना, मैं सुन लूँ। नहीं नहीं, तो फिर अभी की कटाश हो जाएगा। नहीं ऐसा है, 70 खत्म किया, ये राष्ट्र को मजबूत किया। अब वही आतंकवादी कश्मीर में आके हमारे सैनिकों को मार मार के चले जाते थे, यही सब लोग थे, क्यों नहीं खत्म कर दिया? तो आज क्या हो रहा है? आज चाइना हमारे देश में घुसा आ रहा है चाचा, चाइना हमारे देश में 12 लाख हिंदुओं को कश्मीर से मार मार के भगा दिया गया। एक अल्पसंख्यक की उंगली कटती है तो वोट के दलाल वहाँ पहुँच जाते हैं, और बहुसंख्यक मारा जाता है तो एक आवाज नहीं किसी की निकलती। कौन ये भ्रम, ये कौन भ्रम फैला रहा है? हाँ मैम देखिए, जब जनता जनता और विपक्ष के लोग पक्ष से पूछते हैं कि हमारा हक और अधिकार कहाँ है, तब हमें याद आता है पाकिस्तान। चीन की स्थिति यह है कि 18 से 20 किलोमीटर हमारे भारत पे कब्जा कर किया है। हम चीन की बात नहीं करते हैं मैम, दुर्भाग्य इस देश का जो संस्कृति और सभ्यता से भरा पड़ा है। हमारा देश एक सोने की चिड़िया घर है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर हकीकत यह है कि अगर ईमानदारी के साथ में चुनाव हो जाए तो चुनाव होने के पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग साइड हो जाएंगे, ईमानदारी से हो जाए। लेकिन अगर जो है चोरी बेईमानी डकैती होगी तो ये सदैव स्थापित रहेंगे। मैम आज हमारी बात विदेश की नीति की नहीं है, विदेश की नीति जो है वो है। आज हमारे घर की जो स्थिति है वो लचर है। प्रधानमंत्री जी हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते थे युवाओं के लिए, लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार देने के बावजूद उन्होंने 2 करोड़ छीन लिया। और आज मोदी जी की जो गारंटी की बात आपने कहा, जब मैं काम करूंगा तो जनता को मुझे गारंटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब मैं काम करूंगा तो हमें जो है गारंटी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसीलिए मोदी जी जान रहे हैं कि अब की बार जनता मुझे नकार रही है, मुझे लाइक नहीं कर रही है, इसलिए मोदी जी गारंटी की बात हमेशा करते हैं। लेकिन मोदी जी अपनी गारंटी देते हैं, लेकिन उस गारंटी को जो है ठंडे, जैसे चुनाव खत्म होता है तुरंत उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। मैम ये दुर्भाग्य कि आज हमारे देश में जो विदेशी जो कर्जा हमारे देश ने लिया है उसका ब्याज नहीं जा पा रहा। जो विदेश से कर्जा हमारा देश ने लिया, केंद्र सरकार ने लिया है, उसकी ब्याज नहीं दे पा रही है। तो जब ब्याज नहीं जा पा रहा है तो वो कर्जा कैसे उतरेगा? सारी संपत्ति जो है अपने मित्रों को उन्होंने क्या हाथ में उन्होंने बेच दिया। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा, और हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, और जनता से मैं यही अपील करूंगा कि अगर आपको देश बचाना है तो ये आपके हाथ में आखिरी मौका है। लोकतंत्र में सबका हक अधिकार है, मताधिकार का प्रयोग करें, ये हमारे पास में आखिरी मौका है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने भारतीय जनता पार्टी की संविधान को और आरएसएस के संविधान को संविधान में ऐड कर देगी, और जो वो चाहती है वो करेगी, फिर राजशाही सवार हो जाएगा। लेकिन मैम भारतीय जनता पार्टी के कारनामों से हम लोग डरते नहीं और दबते नहीं। हमारे हिंदुस्तानियों ने जो 200 साल राज किया अंग्रेजों ने, उसको मार भगा दिया जब उनके कारनामे जो है अत्याचार पे एकदम उतारू हो गए वो। तो
तो हम सबको इससे वो नहीं है, जनता इनको लाई थी और जनता ही इनको भगाएगी। ये घमंड में ना रहें कि हमारी जो कुर्सी है वो हमारे बाबा ने या पर बाबा ने मुझको दिया है, जनता ने कुर्सी दी है और ये जनता फिर ले लेगी आपकी कुर्सी और लेने जा रही है 2024 में। बिल्कुल बिल्कुल, तो जो सिंहासन है, कुर्सी है दिल्ली की, उस पर जनता ही ने सवार किया तो जनता ही सवार करती है और जनता ही गिरा देती है। फिलहाल जनता के बीच लोकसभा चुनाव को कैसे चर्चा है, क्या माहौल है, इससे हम आपको रूबरू करा रहे हैं और तमाम इसी तरह लोकसभा चुनाव के मुद्दों पर हम लोगों के बीच बात करते रहेंगे और आप तक सीधी रिपोर्ट, सच्ची रिपोर्ट पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं है आतपास, 4 PM न्यूज़ दैट पर।